वेलकम टू शीतल्स किचन। और आज हम बनाएंगे गुजरात का एक फेमस फलसान खमन ढोकला। तो उसके लिए हमने लिया है 1 बाउल बेसन। एक बात ध्यान रखना कि खमन सबका अच्छा नहीं होता है, लेकिन हम छोटी छोटी बातें ध्यान में रखें तो ये बहुत ही अच्छा होता है। तो ये बेसन मैंने छान के लिया है। उसके बाद मैं लेती हूँ सॉल्ट एज फॉर टेस्ट, शुगर 1 टीस्पून एंड हल्दी पाउडर पिंच। अब हम इसका बैटर बनाएंगे। पानी थोड़ा थोड़ा डाल के हमें बैटर बनाना है। तो ये हमारा बैटर एकदम रेडी है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ऐसी कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए और लम्स जरा भी नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे इनो 3/4 टीस्पून, ये मैंने इनो लिया है। और इनो के ऊपर हम 1 टीस्पून जितना पानी डालेंगे ताकि ये हमारा बैटर एकदम फुल के डबल हो जाएगा। खमन ढोकला बनाने में छोटी छोटी बातें बहुत ही ध्यान में रखनी पड़ती है। इनो डालने के बाद, ये फ्लिप सॉल्ट भी हम कहते हैं, ये डालने के बाद एक ही डिरेक्शन में उसको हमें फटाफट स्टर करना है। डिरेक्शन चेंज नहीं करनी है, ऐसे हमें 1 मिनट तक करना है। तो ये हमारा बैटर तैयार है। ये थाली है जो स्टीम के लिए मैं लूंगी, उसके ऊपर हम तेल से ग्रीस करेंगे। अब हम हमारा बैटर ये थाली में डाल देंगे। अगर आप बड़ा वेसल लोगे तो आपका ढोकला बहुत स्पॉन्जी नहीं होगा, थोड़ा फ्लैट होगा। तो हो सके इतना थोड़ा छोटा वेसल लेना अपने बैटर के हिसाब से। तो ये हमारा ढोकला बैटर रेडी है। इसको हम इस स्टीमर में रखेंगे। पानी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। पानी में जब बुलबुले आए, पानी एकदम गर्म हो, तभी हम हमारे ढोकले की थाली इसके अंदर रखेंगे। अब इसको 10 मिनट के लिए हम स्टीम करेंगे। 10 मिनट के बाद ये हमारे खमन रेडी है। आप देख सकते हैं ऊपर आ गए हैं। तो इसको गैस धीमा करके हमें नहीं खोलना है, नहीं तो उसकी भाप से अंदर वो बैठ जाएगा। तो गैस बंद करके अब हम इसे निकाल देते हैं। अब इसके ऊपर हम, ये गरम है, इसमें ही ऐसे थोड़ा पानी डाल देंगे और फिर इसके पीसेस करेंगे। ये हमारा नाइलॉन खमन है जो बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसलिए हमने ये थोड़ा पानी डाला है। फिर उसके बाद हम इसका चोंक लगाएंगे। अब इसके ऊपर हम डालेंगे ये ग्रेटेड कोकोनट है एंड चॉप्ड कोरिएंडर। अब हम इसका झोंक लगाएंगे। उसके लिए हमने एक कढ़ाई में ली है 2 टेबलस्पून ऑयल। उसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून राई, और राई जब गर्म होगी तब हम डालेंगे सेसमी सीड तिल, 1 टीस्पून तिल, 2 चिली चॉप्ड, 1 चिली जब फ्राई हो जाए तब हम डालेंगे 3-4 टेबलस्पून पानी। टू टू थ्री टीस्पून शुगर, मैंने 2.5 टीस्पून लिया। शुगर मेल्ट होने तक अब हम इसे होने देंगे। शुगर मेल्ट हो गई है, अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस।
लेमन जूस हमेशा लास्ट में ही डालना है। अब हम इसको गैस को बंद कर देंगे। और ये इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो तैयार है हमारे खमन ढोकला। आप देख सकते हैं ये स्पॉन्जी हुए हैं। हमने बड़े बर्तन में डाला था इसीलिए ये फ्लैट हुआ है। आप छोटे बर्तन में डालोगे तो ये ज्यादा अच्छा होगा। तैयार है हमारे नाइलॉन खमन या खमन ढोकला। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।